इंदौर के प्रसिद्ध श्री रंजीत हनुमान मंदिर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम को लेकर लगी धारा 144 का सांसद व अन्य नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। इंदौर जिलाधीश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एवं एनजीटी के आदेश के तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर कॉमन आदेश जारी किए जाते हैं। यह आदेश सिर्फ रंजीत हनुमान मंदिर के लिए ही नहीं जारी किया गया बल्कि यह पूरे जिले के लिए है। वहीं क्षेत्रीय एसडीएम रवि कुमार ने कहा कि श्री रंजीत हनुमान मंदिर में आए दिन रात्रि को समय ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाने की शिकायतें आसपास के रहवासियों द्वारा की जाती है, जिसके तहत सिर्फ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के लोगों को जानकारी दी गई है। मंदिर में देर रात तक पूजा पाठ करने पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन रात्रि 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। वहीं इस मामले में सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक इस निर्णय से लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, प्रशासन का यह निर्णय गलत है। पत्रों में ये जानकारी आई है कि इंदौर का प्रसिद्ध रंजीत हनुमान मंदिर पर धारा 144 लगाने के कारण अब कोई साउंड बजने के लिए परमिशन लेना पड़ेगी रात्रि 10 बजे और सुबह 6 बजे के बीच में। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारा पुरातन मंदिर है और इस पुरातन मंदिर में धार्मिक मंदिर में कभी भी ध्वनि विस्तारक लगाने के लिए अनुमति ली नहीं जाती है। तो जो प्रशासन ने अगर इस प्रकार का कोई आदेश निकाला है तो सरासर गलत है, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, जन भावनाओं के खिलाफ है, लोगों की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुँची है। तो मैं ये चाहूँगा इस पर पुनर्विचार हो और इस प्रकार के जो आदेश हैं वो सोच समझ के निकालना चाहिए। 144 अलग से नहीं लगाई गई है, जैसा सब सबको ज्ञात होगा कि अभी जैसे गणेश जी बैठे थे, सब बैठे थे, कलेक्टर साहब आदेश है धारा 144 का धन विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए, और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि रात्रि 10 बजे के बाद 6 बजे तक धन विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो बार बार आसपास क्योंकि वहाँ पर बड़ी डेंस कॉलोनियाँ हैं, आसपास लोगों के रात में कई बार शिकायत आती है कि साहब यहाँ पर अभी भी 11 बजे 12 बजे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, और बड़े स्वाभाविक सा है कि जो भी रहवासी है वहाँ पर आसपास काफ़ी वृद्ध लोग रहते हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, जैसे है उनको परेशानी होती है, और रात के माहौल वैसे जब माहौल पूरा शांत हो जाता है, जब गाड़ियों को कोलाहल कही है या जो शोर होता है जब थम जाता है तो छोटी सी आवाज़ भी बहुत तीखी लगती है उस समय। तो हमने सिर्फ ये निर्देश दिया है कि जो कलेक्टर साहब का आदेश है पूरे जिले के लिए है, रात्रि 10 बजे के बाद आप पूजा करिए, पूजा के लिए कोई रोक नहीं है, कल भी हमारे पास लोग आए थे, आप बैठिए सुंदरकांड करिए, पूजा पाठ करिए, रात्रि में कोई उसको नहीं। लेकिन हाँ, धन विस्तारक यंत्र जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कलेक्टर साहब का आदेश 144 का, तो वो तो सबके लिए लागू है, उसमें ऐसी कोई छूट किसी को नहीं मिली है।